नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की ताजा खबर में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। वन कर्मियों से मारपीट, वन कर्मी समझाते रहे, तस्कर पीटते रहे, फिर चाबी छीन लकड़ी से भरा ट्रैक्टर लेकर फरार। दुर्गुकोंदल के जंगल में तस्करों द्वारा काट कर रखी गई लकड़ी को जब्त कर वन विभाग के कर्मचारी भानुप्रतापपुर डिपो लेकर जा रहे थे। इसी बीच 20 से अधिक तस्करों ने उन पर हमला कर दिया, लाठी डंडे और लात घूसों से वनकर्मियों को पीटा। सभी कर्मचारियों को चोट आई है, इनमें दो को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना के बाद तस्कर जबत लकड़ी और ट्रैक्टर भी लूट ले गए, जिसे कोंडे के पास बरामद किया गया है। तस्करों ने लकड़ियां वहीं छुपा रखी थी। इसकी शिकायत के बाद पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, अन्य की तलाश जारी है। घटना गुरुवार देर शाम की है। प्रत्यक्षदर्शी व पीड़ित कोंडे परिक्षेत्र सहायक सतीश ठाकुर ने बताया कि दुर्गुकोंदल इलाके के कोंडे व सराधु घमरे के जंगल में अवैध रूप से पेड़ काटे जा रहे थे। सूचना पर वनकर्मी वहां पहुंचे और मौके से लकड़ियों को जब्ती बना ट्रैक्टर में लोड कर रात में भानुप्रतापपुर डिपो ला रहे थे। रात करीब 9 बजे मिचगांव मोड़ पर तस्करों ने ट्रैक्टर को रोका। इसकी जानकारी होने पर सामने दूसरी गाड़ी से चल रहे रेंजर समेत वनकर्मी वहां पहुंचे। तस्कर वनकर्मियों से गाली गलौज करने लगे, इसके बाद मारपीट शुरू कर दी। इसमें परिसर रक्षक कोंडे समीर नेताम और परिसर रक्षक कवाची कटेल दिनेश साहू के सिर में चोट लगी और वे बेहोश हो गए। जिन ग्रामीणों ने वन कर्मियों पर हमला किया उनमें दुर्गुकोंदल कॉलेज का पूर्व जनभागीदारी अध्यक्ष व कोंडे की महिला सरपंच कीर्ति राणा का बेटा कांग्रेस नेता कैलाश राणा भी शामिल था। सुबह शिकायत के बाद इनकी धरपकड़ शुरू हुई तो कैलाश राणा के अलावा सोनूराम पुड़ो, संतोष ध्रुवा तथा हेमंत कुमार तीनों निवासी पुड़ो मिचगांव को गिरफ्तार किया गया। इनके खिलाफ धारा 294, 323, 506, 353, 186, 183, 427 तथा 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।